लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। जदयू के जयंत राज नीतीश कुमार की कैबिनेट में सबसे युवा चेहरा है। उनकी उम्र अभी 35 साल है। जयंत राज को जदयू ने पहले बांका जिले का पहला मंत्री बनाया था। इसके बाद विधानसभा चुनावों में अमरपुर से टिकट थमा दिया और वो जीत गए। वो पहली बार विधायक बनने के साथ ही मंत्री भी बन गए हैं। उन्हें ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले बांका अंचल के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों की विकास के मामले में पिछड़ रही स्थिति पर अब शायद ब्रेक लग सके। जिले में ग्रामीण विकास की रफ्तार मंत्री जयंत राज कुशवाहा के नेतृत्व में बढ़ सकती है। उनके विभागीय मंत्री बनाए जाने से इस बात की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। जदयू विधायकों में मंत्री बनने का पहला मौका जयंत राज कुशवाहा को ही मिला। उनके पिता जनार्दन मांझी दो बार अमरपुर और एक बार बेलहर से विधायक भी रहे हैं। इस बार उनकी जगह उनके बेटे जयंत राज को अमरपुर का टिकट दिया गया था। चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह को 3000 वोटों के मामूली अंतर से हराया था। इस जीत की खास बात ये रही कि लोजपा प्रत्याशी बने भाजपा नेता मृणाल शेखर के 40,000 वोट हासिल करने के बाद भी जदयू को जीत हासिल हुई थी। इस लिहाज से अमरपुर में जदयू की जीत कठिन परिस्थितियों में होने का लाभ उन्हें मिला है। जयंत राज के मंत्री बनने की राह उपेंद्र कुशवाहा का जदयू में विलय रुकने के बाद और बन गया। पहले उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज थी। कई बार उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से मिले भी थे, लेकिन पार्टी के विलय को लेकर के मामला अटक गया। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय नहीं करना चाहते थे। इसके बाद नीतीश कुमार के पास कुशवाहा चेहरे का संकट आ खड़ा हुआ था। तारापुर से विधायक मेवालाल चौधरी पर उनकी बाजी पहले ही गलत पड़ गई थी। ऐसे में भाजपा द्वारा सम्राट चौधरी को मंत्री बनाकर आगे करने से जदयू को और परेशानी बढ़ गई। जदयू सम्राट चौधरी की तोड़ खोज रही थी। जदयू को इस इलाके में दूसरा कुशवाहा युवा चेहरा सामने लाना पड़ा। अगर उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा में विलय की बात बन जाती तो जयंत का रास्ता बंद समझा जा रहा था, लेकिन कुशवाहा से बिगड़ी बात ने उनके लिए सफलता का नया द्वार खोल दिया। मजबूरी में ही सही, जयंत राज का भाग्य खुल गया। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जयंत राज मुख्यमंत्री के विश्वास पर कितने खड़े उतरते हैं, बिहार के सबसे पिछड़े बांका का कितना विकास कर पाते हैं, क्योंकि वहां के लोगों की आकांक्षाएं उनसे बहुत है। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। सभी प्रकार के लोगों के संविधान और अनुसार न्याय करते हैं।